हेलो दोस्तों आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में आज का टॉपिक है अठारह के पूर्व एवं पश्चात की विद्रोह तो दोस्तों यह आधुनिक भारत के इतिहास में दूसरा वीडियो है तो आइए शुरू करते हैं हम लोग देखिए एक नंबर क्वेश्चन है अठारह के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था तो बताइए तो तत्कालीन कारण था कारतूसों में चर्बी लगाए जाने की अफवाह ठीक है जब हम लोग आएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं तो आप जानते हैं कि पीटी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही रहेंगे जबले आपका पीटी नहीं निकलेगा तबले आपका मेंस नहीं होगा इसलिए प्रथम दरवाजा आपका पीटी है जो कि अनिवार्य है क्वालिफाई करना तो आप सभी जानते हैं कि आधुनिक इतिहास से बाईस क्वेश्चन रहते ही रहते हैं या बाईस से ऊपर जाएंगे बाईस तेईस चौबीस पच्चीस इसी के में घूमते हैं क्वेश्चन तो आधुनिक भारत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में अठारह के विद्रोह के मुख्य संगठनकर्ता कौन थे तो कुंवर सिंह थे ये नाम से आप लोग भली भांति परिचित होंगे चलिए नेक्स्ट है गांधी जी के नेतृत्व में होने वाला पहला किसान आंदोलन बारडोली सत्याग्रह था बारडोली था ठीक है चलिए नेक्स्ट है मोपला विद्रोह 1921 से 22 में कहाँ हुआ था मलावाड़ में हुआ था चलिए आते हैं नेक्स्ट की ओर राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया ठीक है किसने दिया था तो राजकुमार शुक्ल ने ये सभी जानते हैं चंपारण बिहार में पड़ता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1919 सौ ईस्वी में नाई धोबी बंद आंदोलन कहाँ हुआ चलाया गया था तो इलाहाबाद में चलाया गया था नाई धोबी बंद आंदोलन चलिए नेक्स्ट है बारडोली सत्याग्रह के समय वल्लभ भाई पटेल को बारडोली की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि प्रदान की गई किस चीज़ की सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को मिली थी सरदार वल्लभ भाई पटेल चलिए नेक्स्ट है ब्रह्म समाज को आध्यात्मिक के रूप में देवेंद्र नाथ टैगोर ने विकसित किए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रार्थना सभा के संस्थापक थे तो एम जी राणाड़े प्रार्थना सभा के संस्थापक थे दोस्तों यह वीडियो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि नहीं है ये हमको जरूर कमेंट में बताइएगा इसको कंटिन्यू करूं या रहने दूं ये भी हमको कमेंट में बताइएगा क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों यही सब क्वेश्चन आते हैं हल्का प्रश्न और कहीं ना कहीं आप लोग गलती कर देते हैं अगर गलती करेंगे तो एग्ज़ाम आपको नहीं निकल रहा है आयोग नहीं निकल रहा है आप खुद अपने आप निकल रहे हैं इसलिए आप गलती प्रा, जो आसान प्रश्न है उसको गलती करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर आसान प्रश्न गलती होगा तो आपसे लीड लेकर दूसरे जो स्टूडेंट होंगे वो निकल जाएंगे इसलिए आप लोग प्लीज़ गलती नहीं कीजिएगा गलती कब नहीं होगा जब एक वीडियो को पांच बार छः बार देखिएगा रिवीजन कीजिएगा कन्फ्यूज़न से बचिएगा तभी हो पाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब जो कि विवेकानंद ने की थी किसने की थी विवेकानंद ने नेक्स्ट है मोहम्मदन एंग्लो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सहयद अहमद खान ने की थी किसने की थी सर 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 सहयद अहमद खान नेक्स्ट है हिंदू धर्म को नवीन आधुनिक और सरल बनाने का श्रेय आर्य समाज को जाता है किसको जाता है आर्य समाज को जाता है चलिए नेक्स्ट है सत्य सत्यशोधक समाज की स्थापना जयोतिबा फूले ने की थी किसने की थी जयोतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज का स्थापना किया था चलिए नेक्स्ट है भारत में शिक्षा परिषद की स्थापना अठारह ईस्वी में हुआ था चलिए नेक्स्ट है भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना चार्ल्स बुड डिस्पैच भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना चार्ल्स बुड डिस्पैच की सिफारिशों पर हुई थी चलिए नेक्स्ट है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वाहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था तो सुरेंद्र बनर्जी था चलिए आते हैं नेक्स्ट की ओर तो नेक्स्ट है सॉरी भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था तो बंगाल बं, बंगला गजट सॉरी बंगला बजट होगा ठीक है दोस्तों एक बार देख लीजिएगा आप लोग चलिए नेक्स्ट है किसी भारतीय द्वारा संपादित प्रकाशित तथा संचालित प्रथम प्रथम भारतीय समाचार पत्र था तो संवाद कौमुदी कौमुदी ठीक है तो दोस्तों जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अठारह के पूर्व एवं पश्चात से इतने ऑब्जेक्टिव पॉइंट बने बनने की कहीं ना कहीं अधिक संभावना है और जो भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट बनेंगे उसको हम लोग धीरे धीरे कवर करते रहेंगे उस पर वीडियो आते रहेंगे और नेक्स्ट हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन की ओर आएंगे तो सब चैप्टर को मिलाकर हम लोग एक स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे इसमें से पूरे जो आधुनिक भारत के इतिहास है इसमें कवर करा दिया जाएगा और दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन में आपको तीन से चार वीडियो दिया जाएगा ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर हम लोग डिटेल में कवर करेंगे देखिए यहाँ पे हम लोग महत्वपूर्ण आंदोलन है उसको लिखे थे इसके ये मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे थैंक यू थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत